श्री गुरु राम दास गुण गावो, श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम केर पाला, परम केर पाला, श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला, तरों तहरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा, बंदों बार बार जगदीशा, जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग, एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा केतक दिन बीते जब है गुर दर्शन नह कीन, जो नित प्रत निकटी रह होए प्रेम अधीन, केतक दिन बीते जब है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक, चबर छत्र तखत दे मालक, समर्थ गुरु प्रतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतर जामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, वाहे गुरु अकाल पुरख सब रूप सच्चे पातशाह, दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा इज्जत रखण वाले, पत रखण वाले, दया करन वाले, रहमतां बख्शिशां करन वाले, धन धन अंतर जामी सच्चे पातशाह गरीब नवाज, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी की महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी, गुरु जी का खास रूप गुरु खालसा संगत जी, सच्चे पातशाह जी ने अपा सारिया ते कृपा की है, बख्शिश की है, अपना तरस किया है, सानू अपनी हजूरी बेच बैठ के अपनी पवित्र कथा सुन का मौका बख्शिश किया है। आओ प्यार दे नाल मनोबिरतियाँ एकाग्र करके सतगुरु जी की खुशी प्राप्त करदियां होया गज के बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा धन सतगुरु पातशाह दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की आप जी सरवण कर रहे हो।
महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल पिंड दे किसानां ने आके माफ़ी मंगी। माफ़ी मंगदे होया सच्चे पातशाह जी नूं बेनती की, महाराज साडे ते मेहर करो ते वापस चलो। सतगुरु जी पलंगे ते सजे आ, संगतां ने पलंगा ही साध संगत जी चुक लिया ते महाराज जी नूं खडूर साहब लैके जा रहे हैं। रस्ते दे विच एक सिख दा घर है जिहदा नाम है भाई खीओ भला जी। भाई खीओ भला जी सच्चे पातशाह जी दे नाल बड़ा ही प्रेम करदे है, गुरसिखी नूं कमाउण वाले है। जदों उन्हां ने महाराज जी दा आउणा सुनिया, गुरु साहब जी नूं बहुती निम्रता नाल बेनती की, महाराज आप कृपा करो, बख्शिश करो ते महाराज लंगर छकाउणा आप जी नूं। महाराज जी ने बेनती प्रवान की, भाई खीओ भला जी गुरु साहब जी नूं घर विच ले जा के लंगर छकाउंदे है, संगतां नूं लंगर छकाउंदे है। ते फिर तुसीं सरवण कीता, गुरु साहब जी ने बचन कीता, होए संतत तो वड सुख पाहु। महाराज कहन लगे तुसीं संगतां दी खुशी लई है, तुहाडी औलाद संतान बड़ी वड्डे परिवारां वाली होवेगी ते सुख मिलेगा तुहानूं जी। उहदे तो बाद अगों आप जी ने सरवण कीता, महाराज बाबा अमरदास जी सतगुरु जी कोलों आग्या लै के अपने पिंड गोइंदवाल साहब जा रहे हैं। रस्ते विच एक बंदे दी हड्डी पई होई सीगी, किस तरीके नाल सतगुरां दे चरण लगन नाल ही उस बंदे दा कल्याण हो गया जी, उहदी रूह दा भला हो गया। यह बचन सिखां ने गुरु अंगद देव महाराज जी नूं दसिया। गुरु अंगद देव महाराज जी ने भाई अमरदास भाव बाबा अमरदास साहब जी नूं आख्या, भाई जी अज तो हुण तुसीं नहीं साडे कोल आउणा, असीं आप चल के तुहाडे कोल आवांगे। प्यारिओ कल भी बेनती कीती सीगी, सिख दा जीवन इन्ना वड्डा हो गया, गुरु साहब ने कहा हुण तूं अपने घर विच बैठ ते मैं तेरे घर विच आवांगा जी। किड्डी वड्डी गल है जी। बस इसे तरह च जदों बहुत कमाई हो जाती है सेवा ते सिमरन दी ना, फिर गुरु साहब सिख दे हिरदे रूपी घर विच आके वस जाते जी। नाम सिमरन बंदे दे हिरदे रूपी घर विच आके वस जाता ते फिर की हुंदा जी, फिर बंदा नदरों नदरी निहाल हो जाता ते रब दे विच ही समा जाता जी। हुण आपां इहदे तों अगे कथा सरवण करनी है, भावें कि बाबा अमरदास जी का जी करता भी मैं रोज़ जा के दर्शन करा, पर महाराज नूं आख्या, महाराज जिवें तुहाडा हुक्म है मैं तो सिख हाँ, मैं तो उवें हुक्म मनना है। प्यारिओ गुरु घर विच हुक्म मनण वालियां नूं बड़े सुख है गे जे। ये बचन बड़ी बारी आउंदे है क्योंकि जदों खास करके किसी गुरु साहब का सेवक रूप वाला जीवन चल रहा होवे फिर बड़ा जिक्र आउंदा जी बचन मनन दा जी। बचन मन के जे बंदा एडी वड्डी प्राप्ति कर सकदा ते प्यारिओ गुरु दे बचन मनिए ते साडे दुख कलेश क्यों नहीं दूर होणगे जी। सो हुण आपां इहदे तों अगे कथा सरवण करनी है। बड़े ही प्यार नाल सारियां संगतां आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा केतिक दिन बीते जब है गुर दर्शन नह कीन, गज के आखो वाहे गुरु वाहे गुरु। फिर अगे पढ़ो, जो नित प्रत निकटी रहें होए प्रेम अधीन। जेड़े बाबा अमरदास जी सदा गुरु साहब दे नेड़े रहिंदे सन जी, महाराज जी दी सेवा करनी, हर समय हाजरी दे विच रहना, गुरु जी दे दर्शन करने ते प्रेम विच भिजे ही रहना जी। ओ बाबा अमरदास जी गोइंदवाल साहब विच बैठे है ते कई दिन हो गए ते महाराज दे दर्शन नहीं होए जी। महाराज ने आख्या सी ना, प्यारिया
हुण तू ना आया कर असी आया करांगे। पर बड़ा लम्मा समा हो गया अजे दर्शन नहीं होए जी। हाँ जी चौपाई तिन को बिन देखे दिन बीते। सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव जी दे दर्शन करन तो बगैर ही दिन लंघ रहे जी। प्यारियो बड़ी वड्डी सिख्या च। हाँ जी कुतो शांत कर चीत प्रतीते। हुण अंदर शांति किवें आवे जी। जिन्हां नूं महाराज दे दर्शन करके ही शांति मिलनी है हुण दर्शन नहीं हो रहे शांति नहीं आ रही। हाँ जी तरफत रात नींद नह आवै। भाई संतोख सिंह जी कहिंदे बाबा अमरदास जी गोइंदवाल साहब विच हन सतगुरां दे दर्शन नहीं होए कई दिन हो गए ते रातां नूं नींद नहीं आउंदी जी। तड़फदे है भी मैनू महाराज दे दर्शन हो जाण। दिन में है रुच कर असन न पावे। दिने प्रशादा नहीं चंगी तरह छकदे ते रात नींद नहीं आउंदी जी। बेचैनी वाली अवस्था बनी हुई बेचैनी वाली। हाँ जी खान पान सो नहीं स्नेहू। खान पीण नाल भी वल भी ध्यान नहीं हैगा जी। हाँ जी ये प्रेमिया दे ये गुण हुंदे आ जी। जिन्ना चिर तक दर्शन ना जी होण जी खान पीण नूं भी बंदे दा जी नहीं करदा जी। हाँ जी पद अरबिंदन प्रेम अशेहू। क्यों मन ते महाराज गुरु अंगद देव जी दे चरणा विच लगा होया जी भी मैनू महाराज दे दर्शन नहीं हो रहे। कमाल दी गल है बजुर्ग शरीर है जी ते गुरु अंगद देव साहब अजे साध संगत जी 40 सालां दी अवस्था वाला शरीर है ते तुसी एक गल दा अंदाजा लाओ बजुर्ग दा ते जवान दा इन्ना प्यार नहीं हो सकता गुरु ते सिख दा ही हो सकता जी। हाँ जी सब सों उदासीन रह बैसे। हुण हौली हौली पता की हो गया जी महाराज दे दर्शन नहीं हो रहे ते बाबा जी ना जी किसे ना गल भी नहीं चंगी तरह करदे जी उदास उदास रहिंदे है। हाँ जी नहर उच बोलन सुनह ना कैसे। जदों बंदा उदास होवे किसे नाल गल करन नूं जी नहीं करदा जी। धन बाबा अमरदास जी किसे नाल गल करन नूं जी नहीं करदा जी उहनां दा। हाँ जी मन सिमरन कर करो हकारन। मनो चेता करदे भी मैं महाराज नूं चेते करां ते गुरु साहिब नूं कोल सदां चेते कर करके। हाँ जी निश्चय आवेंगे मम कारण। ये भी बाबा अमरदास जी नूं पता भी मेरे करके गुरु साहब आउणगे भी जरूर जे मैं चौंकड़ा मार के प्यार नाल महाराज नूं याद करा ना ते महाराज ने आ जाना। हाँ जी ताउ तिन्हों को श्रम मग होए। गज के आखो वाहेगुरू वाहेगुरू गज के वाहेगुरू। पर प्यारे प्यार दी खेड वेख लो चौंकड़ा मार के नेत्र बंद करके प्यार नाल याद इस करके नहीं कर रहे भी जे मैं महाराज नूं बहुती खिच पाई ते गुरु साहब नूं आउणा पैणा ते महाराज ने रस्ते विच आउणा ते खिच लोएगी महाराज नूं चल के आउणा पएगा खेचल होएगी मेरे करके ते थकावट होएगी। प्यार भी बड़ा है पर खेचल देण नूं भी जी नहीं करदा जी। एहो ही ते प्यार है। हाँ जी एहो मेरे चित रुचै ना कोई। मेरे मन नूं इह गल नहीं चंगी लगेगी भी मेरे करके गुरु अंगद देव महाराज नूं खेचल होवे जी। हाँ जी दर्शन बिना शांत किम धारै। पर हुण दर्शनां तों बगैर शांति भी नहीं आ रही। कमाल दी गल इधर दर्शनां दी पूरी इच्छा बनी है पर उधर मन विच हैगा भी आउण भी ना मेरे करके खेचल ना होवे। हाँ जी इम असमंजस हृदय विचार है। बस इहो ही विचार करदे रहिंदे भी मैं किवें महाराज नूं सद्दां मैं जा नहीं सकता ते गुरु साहब महाराज नूं सद्दांगा खेचल होएगी पर दर्शनां तों बगैर रहा भी नहीं जांदा जी। प्यार हाँ जी जाए खडूर निहारन करहो हुक्म मिटै है अपराध बिचरहो। ते जे मैं खडूर साहब जावां ते सतगुरां दे करां दर्शन
दर्शन तो हो जाएंगे पर गुरु का हुक्म नहीं रहेगा जी, अपराध हो जाएगा। मन में है अनगिन ठाने गिनती, हुण एहो जी अवस्था च बंदा की करे जी। हाँ जी, मन विच बड़िया ही सोचा सोचते, किसी ना गल नहीं करते, प्रशादा नहीं छकते, उदास रहिंदे है। हाँ जी, निस दिन भने दीन बन बिनती, हुण करन की चाहते तो नहीं है गे भी मेरे करके महाराज नू खेचल होवे, पर प्यारियो रहा नहीं जा रहा, ते अंदरों बेनतियां शुरू हो गई जी। दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे। बाबा अमरदास जी जदों तुरदे ना जी, ते जदों महाराज गुरु अंगद देव जी दे दर्शन नहीं होए, इस गल का चेता आंदा ते नेत्रां च जल बहन लग पैंदा जी। ते फिर निस दिन भनहे दीन बन बिनती, फिर रात की दिन की महाराज नूं अरदासां करन लग पए जी। दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे। हाँ जी, चित चटपटी लगत अधकाई, चित विच ना बेचैनी हो गई जी, थोड़ी भी नहीं बड़ी ज्यादा बेचैनी हो गई जी। हाँ जी, करो कहां कुछ करी ना जाई, ते प्यारियो बैराग करदे रहना भी मैं गुरु जी दे दर्शना तो बगैर रह नहीं सकदा, ते मेरे ना बन की गया जी, आउण तो ना कर दित्ती है, मैं महाराज नू छद्दां ते खेचल हुंदी है। हाँ जी, उत श्री अंगद जग गुर स्वामी, पर प्यारियो इधर गुरु साहब भी ते पूरे ने, गज के आखो वाहे गुरु। जदों महाराज गुरु अंगद देव साहब बैठे, दास हृदय लख अंतर जामी, ते महाराज नू सीधा ही तरंगा पहुंचन दईयां भी बाबा अमरदास जी सानू याद कर रहे है। मैं फिर बेनती करा प्यारियो, तुसी प्यार नाल गुरु साहब नू आवाज मारो, परमेशर दा करो सिमरन, परमेशर जरूर मेहर करदा जी, गुरु साहब जरूर मेहर करदे है। हाँ जी, बड़ी प्यास जे शांत ना आवत, महाराज वेख रहे भी साडे सेवक नू प्यास लगी दर्शना दी, ते शांति नहीं आउणी उन्ना चिर तक। हाँ जी, सुखचित चित नहीं करन है बुलावत, पर सुखचित चित कर नहीं बुलावत, मन विच ये चाहते भी खेचल ना होवे, इस करके सानू बहुतियां बेनतियां भी नहीं कर रहे, पर मूहो नहीं बोलते, मन विच बेनतियां कर रहे हैं। हाँ जी, असमंजस मैं सेवक परियो, वो साडा सेवक ते उलझन विच पै गया। अपनो बिरद संभारन करियो, ते सच्चे पातशाह जी ने अपना बिरद संभालिया जी। हाँ जी, जिम चात्रिक की प्यास बिचार, जिमें चात्रिक दी प्यास हुंदी है प्यारियो, जिन्ना चिर तक वह स्वांति बूंद ना उहदे मुख चा के पवे ना, बबीहा नहीं शांत हुंदा जी। बूंद भी होना चात्रिको क्यों कर तृपतावै। हाँ जी, जल धर धावै करुणा धार, प्यारियो ओहदा इहो ही हुंदा भी मीह पवे मीह पवे, गज के आखो वाहेगुरु। बस इसे तरह चित विच इहो ही है भी मैं महाराज जी नूं मिलां छेती, ये महाराज सोचन दे है। हाँ जी, बूझ प्रेम निज बचन संभाला, उठ कर गमने दीन बिसाला, ते महाराज प्रेम लख के ना प्रेम जान के, ते खडूर साहब तो उठे भी चलो फिर अमरदास जी कोल गोइंदवाल ही चलिए जी, गज के आखो वाहेगुरु। पै गई ना खिच, तुर पए ना महाराज, ते महाराज साडे हिरदे विच भी आ सकदे, आपां खिच नहीं पाउंदे, गज के आखो वाहेगुरु। असीं सतगुरु प्रति खिच नहीं पाउंदे, गुरु साहिब तौण लई तैयार ने,
पर अंदर कूड़ कबाड़ ईरखा ही इन्नी भरी है महाराज की थां ही नहीं हैगी जी। हाँ जी रहे ओ निकट जब गोविंद वालू लो सच्चे पातशाह कुछ सेवकां नाल चल पे ते चलदिया चलदिया जदों गोविंदवाल साहब आए ना जी ते किसी ने बाबा अमरदास जी नूं दस्या बाबा जी महाराज आ रहे सच्चे पातशाह। हाँ जी लख श्री अमर उठे तत्कालू बस उसे वेले ही बाबा अमरदास जी उठ के ते महाराज कोल तुर पे जी। ए दूजी वारी इंज महाराज आए जी गोविंदवाल साहब। हाँ जी हित सन्मान अगारी गए सतगुरां दा सन्मान करन वास्ते अगे लैन गए महाराज नूं। हाँ जी मनो प्रेम धर मूरत तए मनो प्रेम दी मूर्ति बने हुए जी बाबा अमरदास जी। हाँ जी देख दूर ते द्रिल जग छाए ते प्यारे ओ दूर कच्चे रस्ते महाराज सिखां सेवकां नाल तुरे आ रहे है। इधरों बाबा अमरदास जी हन कुछ अपने रिश्तेदारां सेवकां संगियां दे नाल ते जदों दूरों ही महाराज सच्ची सरकार गुरु अंगद देव महाराज जी दे दर्शन होए ना ते बाबा अमरदास जी दे नेत्रां च जल आ गया जी। गज के आखो वाहे गुरु तुसीं किते इमेजिन करो उस दृश्य नूं भी महाराज जी की उम्र जवानी दी ते बाबा जी बजुर्ग ने दी ते नेत्रां च जल आ गया बैराग आ गया। हाँ जी ताए परे चरणन लपटाए ते ताए परे चरणन लपटाए शरीर कमजोर है पर जदों महाराज दे दर्शन कर ले बैराग आ गया शरीर दी सुध भुल गई ते प्यारे भज के गए जाके धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरण फड़दे जी जाके चरण फड़दे जाके। हाँ जी बकर पूजा गर संग लगाएव ते महाराज ने पता की किया आप उठाया। एक बाबा अमरदास जी सन जिन्हां नूं महाराज गुरु अंगद देव साहब फिर अपने सीने ला लेंदे सीगे जी उठाया जी अपने सीने लाया जी। हाँ जी दोहन दिश प्रेम अधिक उमगाएव दोवां पासे प्रेम जागया जी। एक गल चेता रखियो एक पासे दे प्रेम ना गल नहीं जे बनदी प्रेम दोवीं पासी होवे ते गल बनदी जे। हुण साडा पता की हाल है मैं एक मिनट वास्ते बेनती करन लगा प्यारियो गुरु साहब ते सानू कर दे जे पूरा प्यार साडे विच नहीं ओ हैगा जी। दास ने अगे भी एक दिन बेनती कीती सी जे असी स्वास स्वास भी सिमरन करिए ना ते असी सोचिए भी गुरु दे प्यार दा कर्ज चुका देंगे प्यारियो नहीं चुकाया जा सकता जी। दुवली खिच होवे फिर गल बनती ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸੋਂ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਪੁੰਨ ਚੱਲੇ ਕਰ ਸੋਂ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਪੁੰਨ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਮਨੋ ਦੋ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗਿਆਨ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਗ ਕੌਣ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰ ਮੈਂ ਨਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਨਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਿਤਾ ਕੂਲ ਲਲਿਤ ਕੋ ਚੀਨਸ ਅਤੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ।
हाँ जी। जहाँ बेहंगन के शुभ जोटे बोलत आपस में सुर छोटे, उधर उथे पंछियां दे जोड़े है वो आपस में कोमल आवाजा कट रहे है, बोल रहे है, पंछी चहक रहे है। हाँ जी। चलत प्रवाह बिमल जल जाला, एक बन्ने पंछी चहक रहे ते सामने दरिया लंघ रहा जी, और ऐ साफ सुथरा जी। हाँ जी। माश कश उशरत स्वश बिसाला, ते मछलियां उछल रही हैं जी। हाँ जी। सुंदर हो तो सुथान उतंगा, उथे थोड़ा उच्चा थां सीगा एक पासे जी। हाँ जी। सिकता मृदुल पुलन जल गंगा, मानो गंगा वर्गा कोमल साफ सुथरा किनारा सीगा जी। हाँ जी। ललित सुथल पिख बैठे जाई, ते महाराज गुरु अंगद देव साहब थोड़ी उच्ची थां ते बैठ गए जी, दूसरे पातशाह गुरु नानक साहब दा रूप। हाँ जी। श्री अंगद सेवक सुखदाई, ते महाराज सच्चे पातशाह बाबा अमरदास जी हेठां बैठ गए। हाँ जी। लोचन पुट ते अमृत रूप, करत पान श्री अमर अनूप, कई दिन हो गए ही दर्शन नहीं होए जी, ते हुण महाराज नूं बिठा के ना, ते बाबा अमरदास जी भला की करदे, ऐ बड़े प्यार नाल दर्शन करन दे, ते दर्शन की करन दे है, मानो बाबा अमरदास जी दे जिहड़े दोवें नेत्र है ना, ये डूने ने डूने, ते डूनिया दे विच गुरु दे दर्शनां दा अमृत पै रिहा जी। गज के आखो वाहेगुरु। दास बेनती करे जिहड़ियां साडियां दो अखां है ना, ये ज्ञान इंद्रा ने बहुत सारी गंदगी इन्हां अखां राहीं अंदर जांदी है, ते प्यारिओ बाणी भी इन्हां अखां राहीं अंदर चले जांदी जी, सतगुरु दे दर्शन भी अखां राहीं अंदर जांदे जी। बाबा जी बड़े प्यार नाल महाराज दे दर्शन कर रहे जी। हाँ जी। त्रिपत न होत हेर जन जीवत, लो दर्शन करी जान ते रजन ही ना जी। गज के आखो वाहेगुरु। दर्शन करन ते रजन ही ना जी, जी करदा दर्शन करी जावा करी जावा। हाँ जी। अत हरखत चित शांति थीवत, ते जदों महाराज दे दर्शन कर रहे ना जी, ते हिरदा शांत हो रहा जी, हिरदा खुश भी हो रहा ते शांत भी हो रहा। प्यारियो एक गल चेता रखियो, जे नाम जपण वालियां दे कोल बैठ के शांति नहीं मिलनी ते फिर किते भी नहीं हैगी जी। हाँ जी। जे रब दे प्यारियां कोल बैठ के शांति नहीं ना जी हैगी ते फिर किते भी नहीं हैगी जी। ते रब दे प्यारियां को कादी शांति है, रब दे प्यारियां कोल रब दे नाम दी शांति है। बड़े शांत शांति मिल रही जी। हाँ जी। नीचे थल सनमुख होए बैसे, नीवी थां ते सनमुख हो के बैठे जी बाबा अमरदास जी। वेख लो कमाल दी गल है, गुरु अंगद देव जी दे बराबर नहीं बैठे जी, भी मैं महाराज दे बराबर पवां, नहीं, महाराज नूं उच्ची थां ते बिठाया, आप नीवी थां ते बैठे जी। हाँ जी। वासदेव अर्जन जुग जैसे, मानो कृष्ण ते अर्जन जी में बैठे हुंदे है ना, ओहो जा माहौल बनया जी। दर्शन कर कर के रज रहे जी, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, 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 दर्शन देख जीवा गुर तेरा। बड़ी शांति मिली जी। हाँ जी। महिमा महालखी नह परे, महाराज जी दी महान महिमा गुरु अंगद देव साहब जी दी। गज के आखो धन धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी। धन धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी। जेड़ी लखी नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। वेख लो
ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਚਲ ਝੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਰਸ ਭਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਪੁਰਖਾ ਤੁਮ ਹੋ ਮਮ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੁਰਖਾ ਤੁਮ ਹੋ ਮਮ ਰੂਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤਨਕ ਅਨੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬਾਸਤ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸੇ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਝ ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਦੀਵ ਵਡੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸਦੀਵ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ, ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਾ ਭੇਦ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਵਾਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਹਨ ਕੇ ਸਨੇਹੋ ਅਸ਼ੇਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਅਹੈ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਮੈਂ ਜੋਨੈ ਪਈਅਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਧ ਸਤੇ ਸੋ ਕੈਸੇ ਲਹੀਅਤ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਥਿਆ ਨਿਰਵਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝੋ, ਝੂਠਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ? ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਹਿ ਸੰਕਟ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ,
पर शरीर नाश हो जाता जी। पर बंदा कहिंदा ना खुश हो ते ना दुख हो, महाराज कहिंदे ना खुश हो ना दुखी हो, शरीर किसी का भी नहीं रहना। हाँ जी, जिसको एहो अलंब नित पासे सो बिन आद ना अंत प्रकाशे। महाराज कहिंदे बंदे कादा इहदा आसरा लैंदे आ, ना ये पहला सी ना ये बाद विच रहना शरीर। पर गुरु का शब्द है ना जेड़ा प्यारो, ओदे नाल सांझ पाउणी ओदे नाल। हाँ जी, काल स्पर्श है जाए ना क्यों हूँ, आद अंत मद एक रस प्यो त्यों हूँ। आत्मा जेड़ी है उन्हों काल नहीं छूंदा, ओदी मौत नहीं हुंदी, ओ एक रस रहिंदी है। हाँ जी, सो तू अपनो रूप पछाण। महाराज कहिंदे ओ रूप पछाणो अपना, ते तुहाडे विच ते साडे विच हुण फर्क नहीं रहा। हाँ जी, एक आत्मा महद महान, इको ही आत्मा महाराज कहिंदे होना, गज के आखो वाहिगुरु, जिहड़ी तुहाडे शरीर विच है ओ साडी आत्मा है, हुण एक आत्मा ही रह गई जी। सेवा सिमरन की ताकत है प्यारिओ। मैं फिर बेनती करा, परमेश्वर आप निरंकार है। महाराज बाणी च कहिंदे है भी साडा जिहड़ा वाहिगुरु है वह ना जमदा है ना मरदा है, वह निरंकार है। हुण निरंकार नाल किवें जुड़ांगे, निरंकार नाल आ साडा आकार किवें जुड़ेगा, शरीर किवें जुड़ जाएगा। प्यारे निरंकार दे नाल जे आपां जुड़ना, ते निरंकार है बाणी, ते बाणी नू जपो। बाणी परमेश्वर दे बोल ने, इन्हां नू हिरदे विच वसाओ ते बस भला जी। वाहो वाहो, बाणी निरंकार है। हाँ, सत चेतन आनंद सो ब्रह्म। जदों कोई ओहदे नाल जुड़ जांदा है फिर सत चेतन ते आनंद परमेश्वर दे रूप ओहदा बंदे नूं शरीर दे विच ही प्राप्ति हुंदी जी। हाँ जी, विषय ना इंद्री को निरभरम। बाकी महाराज कहिंदे वाहिगुरु इंद्रियां दा विषय नहीं है, इंद्रियां दा विषय नहीं है। तो मैं भी बेनती करा, वेखो जेड़े नाम जपते जिन्हां दी अवस्था उच्ची चले जाती है ना, आओ संसार दीयां किरियावां जिहड़ियां अहीं भोगदे हैं ना, वह साफ कहिंदे कहिंदे गंदगी है, गंदगी, गंदगी तो सिवा कुछ भी नहीं है। तो आ अखां भी तो गंदगी ने, जदों बंदा रात सौंदा है ते दिने उठदा है ते इत्थे गंदगी मैल जम्मी हुंदी है, नक मैल नाल भरिया, कन्न मैल नाल भरे है, मुख विच भी मैल है, थुक कट्ठा हुंदा ते है ते गंदगी है ना सारी। ते वाहिगुरु इन्हां इंद्रियां दा विशा नहीं हैगा। ਬਿਸ਼ਰਨ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਿਸਮੈਂ ਪਈਅਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਪਕ ਨਭ ਸਮ ਸਭ ਥਲ ਲਹੀਅਤ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਮਨਾ
गुरु नानक साहब का गुरपुरब ते वेख ना गुरु साहब के दर्शन ना गुरु की संगत के दर्शन ते मैं इत्थे बैठा इन्ना महान दिन मेरा बर्बाद हो रहा। कहिंदे मैं बैराग च आ गया भी अज ते गुरपुरब है ते फिर मैं पाठ शुरू किया जप जी साहब का। बड़ी हौली हौली गुरबाणी का पाठ करना शुरू किया। जदों मैं कहिंदे बाणी का पाठ शुरू किया गुरबाणी पढ़द्या मन नूं रस बज गया आनंद आ गया ते गुरु रामदास जी की पंक्ति चेता आई बाणी गुरु गुरु है बाणी। कहिंदे मैनू वाकई हवाई जहाज विच बैठे हाँ यह गल महसूस होई मैं गुरपुरब वाले दिन कल्ला नहीं हाँ मेरे नाल गुरु नानक साहब हन। ते गुरु नानक साहब किवें सन उरे कोल शब्द सीगा जी जपजी साहब सी। कहिंदे जदों आनंद नाल हिरदा भर गया ते मैनू महाराज का बचन चेता आया वाकई बाणी गुरु है बाणी मन हरिया कर देंदी है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। कहिंदे फिर मैनू महसूस होया भी नहीं मैं विछड़िया नहीं हाँ मैं भी गुरु साहब के चरणों विच ही हाँ। सो महाराज कहिंदे जिहड़ा इस तरीके नाल नेड़े हो जांदा ना वो मुड़ दूर नहीं होंदा जी। हाँ जी जन्म ना मरन ना शोक ना हरखा जेड़ा आत्म रूप च पहुंच जांदा फिर उत्थे ना जन्म दी पीड़ा ना मौत दी पीड़ा ना खुशी ना गमी। ये जेड़े बचन महाराज गुरु अंगद साहब सुना रहे हैं ना ये ब्रह्म ग्यान है ब्रह्म ग्यान है। हाँ जी द्वंद बहीन सबुद्ध कर परखा आत्म विशैणी बुद्धि बंदे दी हो जांदी है ते बंदा अपने आप नूं ही परख लैंदा जी। हाँ जी अहम ब्रह्म अद्वै घन रूप एहो ब्रित निश्चल धरो अनूप। इस करके तुसीं साडा रूप हो साडा रूप हो जदों साडे दर्शनां नूं जी करे ते बाणी पढ़िया करो आत्म रूप विच जाया करो तुहानूं साडे दर्शन हो जाणगे। गज के आखो वाहेगुरु। ते महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन ने रहत नामिया च दसवें पातशाह कहिंदे जिहड़ा सिख मेरे नाल गल्लां करनियां चाहुंदा ना वह बाणी पढ़ लिया करे उहनूं दर्शन हो जाया करनगे गल्लां हो जाया करनगियां साडे नाल। हाँ लोकन को सिख वन हित बाहर हम है दास प्रभु के जाहर। महाराज कहिंदे असीं कौन है असीं ते लोकां नूं सिख्या देण वास्ते रब दे दास हाँ ते आत्म रूप च होवो तुहानूं साडे दर्शनां दी कमी नहीं रहेगी। महाराज कहिंदे हाँ जी भगत बिथारो संगत माहूं बल्कि संगत विच आप भगती दा विस्थार करो हुण तुसीं। हाँ जी चल है सिख पेख कर तुम राहू तुसीं इत्थे बैठिया ही नाम जप के आनंद लिया करो जदों नेत्र बंद करोगे असीं तुहाडे कोल होवांगे। एक गल चेता रखियो भगत नामदेव जी बाणी विच कहिंदे गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु क्योंकि सीधा सीधा अर्थ करके तुर जांगा पर ये गल्लां दा समझ आउणी चाहीदी है फिर कहो वाहेगुरु वाहेगुरु। भगत नामदेव जी नूं किसे ने पुछिया भी रब तुहाडे नेड़े है जां रब तुहाडे दूर है। गल ध्यान नाल सुणिओ भगत जी रब तुहाडे नेड़े है जां रब दूर है। ते भगत नामदेव जी कहिंदे ना रब नेड़े ते ना रब दूर है। गज के आखो वाहेगुरु। गल समझे जी ना रब नेड़े ते ना रब दूर है। हुण सानू कोई पुछे हाथ बारे भी दसो तुहाडा हाथ नेड़े है कि दूर है असीं अपने हाथ बारे की आखांगे जी वो ते साडे नाल है जी हाथ ते साडा ही है साडे शरीर दा अंग है।
भगत नामदेव जी प्रेमिया नू कहन लगे, प्रेमियो रब ना मेरे नेड़े ते ना मेरे दूर। वह कहिंदे फिर रब है किथे है? ते भगत नामदेव जी कहिंदे रब मेरे अंदर है, इत्थे बैठा आके। हुण अभ्यास कीता ना जी, नेड़े ना ही दूर, निज आत्मा रहिया भरपूर, ते हो जांदा जी। एरे वास्ते अभ्यास करना पैंदा जी। नाद समाए रो रे, सतगुर भेट ले देवा, परमेश्वर मेहर कर देगा, पर पहला गुरु नू भेट। जदों तू गुरु ना मिलेगा, तेरे अंदर परमेश्वर दी बाणी समा जाएगी। फिर तू अभ्यास करेगा तो तेनू पता लगू ना रब नेड़े ना रब दूर, रब ते अंदर ही बैठा जी। हाँ जी, इत्यादिक कह गुरु सुजाना, ऐसे सिख्या वाले बचन महाराज गुरु अंगद देव साहब जी ने बाबा अमरदास जी दे नाल कीते। अहम ब्राह्मण दृढ़ आत्म ज्ञाना, आत्म ज्ञान दृढ़ करा दिता जी, विखा दिता भी रब अंदर ही है, असी अंदर ही हाँ तेरे। हाँ जी, कीने अपने सदृश कृपाला, जिम मसाल ते जागे मसाला। बस फिर अपने वर्गा ही कर दिता जी, जिमें एक मशाल तो दूजी मशाल जगदी है ना, बस फिर गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी नू अपने वर्गा ही कर लिया जी। हाँ जी, कह लग कहो सो बचन बिलास, कवि संतोख सिंह कहिंदे ब्यास दरिया दे कंडे ते जिन्ने बचन होए मैं कित्थों तक आखां तुहाडे नाल। हाँ जी, करे बैठ सतगुर संग दास, मतलब बड़े ही बचन होए, बड़े बचन होए जेड़े महाराज ने कीते जी। बाहर उठे तह ते जगनाथा, महाराज ने अपनी कृपा जेड़ी सी ना वह बाबा अमरदास जी दे विच टका दित्ती जी। फिर महाराज उठ पे जी। हाँ जी, सहत प्रेम गह सेवक हाथा, उस तरह हाथ फड़िया जी बाबा अमरदास जी का जी। हाँ जी, धन धन भाखत संग जाते, ते पता की कहिंदे महाराज, कहिंदे बाबा अमरदास तुसीं ते धन चे, तुसीं ते धन हो, गज के आखो वाहेगुरू, कहो प्रेम नाल धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। बार बार दर्शन रिखाते, बार बार बाबा अमरदास जी गुरु साहब के दर्शन कर रहे हैं, ते उधरों बार बार गुरु अंगद देव साहब दर्शन दे रहे हैं। पंथ बरोबर गमने जाहे, इस तरीके नाल बराबर रस्ते ते चली जा रहे हैं। ते अज ना बड़ी वड्डी कृपा कीती ओ बख्शिश रहमत परमेश्वर दी जिहड़ी सी ना ओ बाबा अमरदास जी दे विच टका दित्ती जी। ये टकाई जांदी जे और गुरु साहब धरदे है अंदर। हाँ जी, गह कर दाहन कर कर माहे, बाम हाथ श्री अमर सुभाएक, ते लो फिर सज्जे हाथ नू अपने खब्बे हाथ नाल फड़िया होया। हाँ जी महाराज ने, बाम हाथ श्री अमर सुभाएक, ते सहजे सहजे गुरु अमरदास जी का जेड़ा खब्बा हाथ है ना वो अगे पिछे जा रहा जी, इधरला हाथ फड़िया अगे पिछे जा रहा जी खब्बा। हाँ जी, लटकत जात सो तरे डुलायक, ते तुहानू पता जदों हाथ लटकदा होवे प्यारे हो हाथ अगे पिछे हो जांदा जी। हाँ जी, इस विधि आवत पंथ खडूरे, लो इस तरीके नाल महाराज खडूर साहब दे राह तुर पे जी। हाँ जी, सेवक संग लिए गुरपूरे, सारे सेवक भी गुरु अंगद देव जी ने नाल लै ले। कितक राह चल कर जब आए, जदों कोजरा तय कर लिया, सुरती वेखो, एक हाथ गुरु अमरदास जी का गुरु अंगद देव जी ने फड़िया होया, एक हाथ खाली है। हाँ जी, तब श्री अमर जो भुजा डुलाए, ते उस समय बाबा अमरदास जी दी जेड़ी एक खब्बी बां अगे पिछे हो रही सी ना। हाँ जी, भाई अचानक गुर के आगे, गज के आखो वाहेगुरु, ते प्यारे ओ चलदियां चलदियां ना वह गुरु अंगद देव जी दे शरीर तो अगे लंघ गई बां जी, समझ रहे ना गल, ओ बां अगे लंघ गई जी। हाँ जी, देखत अमरदास वडभागे, ते बाबा अमरदास जी उन्हें वेख्या भी मेरी बां गुरु साहब तो अगे लंघ गई।
ਬੜੀ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਦਾਰੁਨ ਭਾਰੀ। ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਮ ਬਾਹਾਂ ਪੀ ਢੋਲ ਅਗਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਨੇ ਕੀਨ ਪਿਛਾਰੇ, ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੇ ਹਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਸੋ ਭੁਜਾ ਬਿਸਾਰੀ, ਤੂਰਨ ਸੁਖਚਾਵਨ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਂਹ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛਾਤੀ ਸੰਗ ਲਗਾਏ ਸੋ ਲੀਨਸ, ਤਿਸ ਛਿਨ ਏ ਨੇਮ ਏਮ ਕਰ ਲੀਨਸ, ਅਬ ਇਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨੋ, ਕੀਨੋ ਗੁਰ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਨੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਜ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹਿ ਮਮਤਾ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਲੱਗ ਮਹਿ ਮਹਿ ਤਨ ਕੋ ਧਾਰੋ, ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੂ ਸੁਧਾਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਲਿਖਣ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ।